जब अलेक्जेंडर भारत आया तो उसके गुरु अरिस्टोटल पर्शिया में यानी आज के ईरान में रुक गए। तो अलेक्जेंडर ने कहा मैं भारत जा रहा हूं जो दुनिया का सबसे समृद्ध देश है और यहां अनेक प्रकार की कीमती चीजें हैं, तो गुरुदेव मैं आपके लिए कौन सी ऐसी चीज लेके आऊं। तो उसके गुरु ने कहा कि तुम हीरे जवाहरात कितनी भी कीमती चीज ले आओ, मेरे लिए किसी काम की नहीं है। मैंने सुना है कि वहां कुछ फिलोसफर्स होते हैं जिन्होंने बहुत गहरा ज्ञान अर्जित कर रखा होता, उनमें से अगर कुछ एक लोगों को तुम साथ में ला पाओ शायद उनसे बातचीत करके मेरे ज्ञान की वृद्धि हो सके। मगर जब वो तक्षशिला में आता है और उसके सैनिक आकर कहते हैं आचार्यों से कि आप चलिए, तो जाने से मना कर देते हैं। तो कहते हैं ये विश्व विजेता सिकंदर का आदेश है। तो जानते हो आचार्य क्या जवाब देता है? जो अपने हृदय में उत्पन्न हुई विश्व विजय की इच्छा से इस कदर पराजित हो गया कि उसने हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उसे विश्व का सबसे पराजित व्यक्ति कहोगे या जीव व्यक्ति? तो उसे समझ ही में नहीं आया और वो 300 आचार्यों को बंदी बना के ले गया, परंतु उन सबने अन्न जल त्याग कर अपने प्राण त्याग दिए और वो नहीं ले जा पाया, क्योंकि ये भारत एक अलग प्रकार का राष्ट्र है।